बढ़िया है। आइए बढ़ते आगे। और जोमेटो ये स्टॉक है सुर्खियों में और आज एक्शन में भी दिख रहा है, मजबूत ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 2.5% मजबूत है। स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स चले गए हड़ताल पर, जोमेटो को इसका फायदा कैसे होगा बता रहे हैं अरमान। अरमान बताइए। जी सर बिल्कुल, रिपोर्ट से आते हुए दिखिए मुंबई में स्विगी के जो डिलीवरी पार्टनर्स है वो इनडेफिनेट स्ट्राइक पर जाते हुए दिखे हैं। अब उसी के साथ साथ स्विगी का एक तो फूड डिलीवरी इंस्टामार्ट भी है जहां पे वो ग्रोसरीज के करते हैं, तो इंस्टामार्ट में भी पूरी तरह यहां पर बंद होते हुए दिखे हैं और मुंबई के कई इलाकों में जो फूड डिलीवरी जो पूरी तरह से है बंद होती हुई दिखी है। अब उसका रीजन क्या है? रीजन ये है, दो रीजन जो रिपोर्ट्स में निकल के आ रहे हैं, एक तो कम भुगतान और दूसरा डिलीवरी का जो दायरा विस्तार कर दिया है पर उसमें जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनको पेमेंट जो है वो बढ़ाया नहीं गया है। इसके चलते जो है 8 अक्टूबर से डिलीवरी पार्टनर जो है वो स्ट्राइक पर जाते हुए दिखे हैं। अब अगर आप कुछ समय से देखें लगातार जो मार्केट शेयर की अगर आप तुलना करें जिसमें स्विगी और जोमेटो के मार्केट शेयर की तुलना करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा लगातार जोमेटो का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। जो FY19 में स्विगी का 70% का मार्केट शेयर था और जोमेटो का 30% था, वो आप देखिए FY22 में 45% स्विगी का हो गया, जोमेटो का 55% हो गया। अब Q4 FY23 की बात करें तो वो 56% जोमेटो का हो गया और अभी रिपोर्ट्स ये बता रही है कि इस साल FY24 में 56 बढ़ के और 57% जो है वो हो जाएगा। तो एक तो मार्केट शेयर तो बढ़ी रहा है, उसके साथ आपने अभी खबर कुछ समय पहले खबर भी आती हुई दिखी कि जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फी भी लगाना चालू कर दी, उसके बाद भी जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है उसका अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होती हुई दिखी है और आपको एडजस्टेड इबिट्टा लेवल पर फूड डिलीवरी सेगमेंट ने जिस तरीके से टर्न अराउंड लेके आए हैं, जहां पर उनका Q1 FY23 की बात करें फूड डिलीवरी सेगमेंट में 113 करोड़ का लॉस था, अगले ही क्वार्टर में 2 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा। उसी तरह माना जा रहा है कि ब्लिंकिट भी जल्दी जो है एडजस्टेड इबिट्टा लेवल पर मुनाफे में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर आप उसमें जो टर्न अराउंड जिस तरीके से आ रहा है इतना जल्दी आपको नंबर्स टर्न अराउंड होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें Q1 FY23 में ब्लिंकिट में लगभग 326 करोड़ का आपको घाटा था, वो अगर आप Q1 FY24 में देखें तो वो घाटा घटकर सिर्फ 133 करोड़ का हो गया। उस हिसाब से माना जा रहा है कि आने वाली कुछ तिमाहियों में जल्दी ब्लिंकिट जो है वो भी मुनाफे में आ सकता है। तो एक तो जो स्विगी में यहां पर हड़ताल हो रही है उसके चलते हो सकता है वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी आती हुई दिखे, प्लेटफॉर्म फी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है और एडजस्टेड एबिटा जल्दी जो है दोनों लेवल पर पॉजिटिव अच्छा खासा आ सकता है। ओके, तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको रखनी है नजर। जोमेटो पर एक वैसे जैन साहब की भी फंडामेंटल राय ले ली जाए। जैन साहब जरा बताएं जो डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं, एक तो रिजल्ट्स के लिहाज से और दूसरा एक्शन जो आता दिख रहा है स्विगी के हड़ताल से, और उस पर मैं फिर सुमित जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले जैन साहब आप अपनी राय बताएं। बिल्कुल, देखिए जोमेटो को तो आपने इतने बेहतरीन लेवल पे आइडेंटिफाई करके लोगों का इतना पैसा बनवाया है तो आई हैट्स ऑफ टू यू। इनफैक्ट मैं तो देखिए इन स्टॉक्स में गलत पढ़ता हूँ जनरली, मैं इन इस स्टॉक में पर्टिकुलरली मैं जनरली जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली है जो स्टार्टअप्स टाइप की कंपनियां जो लिस्ट हुई थी उन पर मेरी नेगेटिव राय थी और वैसे तो सही पड़ा, बट पर्टिकुलर अगर जोमेटो की बात करें तो यहाँ पे मैं सही नहीं पढ़ा। और ये देखिए 50-60 रुपए से नॉन स्टॉप जो चला है और अब कुछ ना कुछ चीजें बेहतर और हो रही है, ये सारी चीजें पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से देखिए ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे चुका है, मार्केट्स में भी थोड़ा सा माहौल वैसा बना हुआ है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है स्मॉल कैप मिड कैप्स और लार्ज कैप्स में भी, तो थोड़ा सा ये है कि एक्सुबरेंस नहीं दिखाते हुए जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे और जिनको लेना है वो करेक्शन पे जरूर से इसको खरीद सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 95 to 90 एक रेंज होगा जहां पे ये स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है। ये है आपके लिए जोमेटो, थोड़ा डिप आए तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, वैसे हमारे पोजीशन टारगेट्स तो बड़े हैं, बट अनिल जी आज के दोनों टारगेट जोमेटो पर हिट हो गए हैं। 107 तक का फाइनल टारगेट था, 108 का इसने हाई बनाया, फिलहाल 107 दूसरे टारगेट पर ट्रेड कर रहा है। चलिए बताए तैयार है आप सुमित जी जोमेटो? जी अनिल जी बिल्कुल बताइए। अनिल जी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है स्टॉक, एक मिनट चार्ट कौन पूछा मैंने, मैंने कहा पूछा चार्ट। अब ये बताइए कि आप तो स्विगी से करते थे ऑर्डर, अब आपका क्या? अरे जी स्ट्राइक तो क्या है, खुल जाएगी अनिल जी वापस? अरे कहाँ खुल जाएगी, दो दिन से नहीं खुल रही। अनिल जी खुलना तो पड़ेगा, ये आदमी कब तक स्ट्राइक करेगा, उपवास करोगे? अरे जी थोड़े दिन घर का खाना खाएंगे। ये चेंज करना, ये अच्छी स्टडी, दैट दिस इज बेटर, खुद बनाएंगे खुद खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे बना बना कर, वेरी नाइस। तो ये वाली स्टडी सबसे बेस्ट है। ओके बताइए सर, अब चार्ट्स राय बताइए। अरे जी चार्ट्स बढ़िया दिख रहे हैं जोमेटो के, 100 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, 3 डिजिट में वापस से एंट्री होने के बाद सस्टेनेबिलिटी एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक का,
110 का लेवल निकलने पे 115-120 यानी पुराने जोन में वापस से ही आ जाएगा, जो 120 का इसने सपोर्ट तोड़ने के बाद जहां से इसने मंदी का शुरुआत किया था उन्हीं लेवल के आसपास लगता है कि अभी वापस से ऊपर में टेस्ट करने को तैयार है। तो जब तक ये 100 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, 110 का लेवल टूटने के बाद 115-120 तक का मूव जोमेटो में ऊपर की तरफ।